हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के पास अभी लम्के समीकरण शुरू किए गए थे और उसकी जो पर्सनली हमारे पास छेड़ी थी उसके क्वेश्चन कल आप लोगों को कराए थे। तो उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक हो चुका था। एक में हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट से दिए हुए और उसके हमने दो पार्ट किए थे, उसी आधार पर और अन्य पार्ट के हल करने हैं। अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर दो का हम पहला पार्ट लेंगे। इसमें हमारे पास चार पार्ट दे रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट लिखा है वाई बराबर लिखा है दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी स्पर्श रेखा भी निकालनी है और अभिलंब के समीकरण भी निकालने हैं। हमारे पास वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस लिखा है 13x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5 बराबर 0 के बिंदु दे रखा है हमारे पास के बिंदु 0 5 पर। तो उसने लिखा कि बिंदु 0 5 पर डिफरेंशियल करेंगे समीकरण नंबर से, हमने मान लिया एक, इसका डिफरेंशियल कर दो। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो dy बटे dx, यानी हमको प्रोसीजर क्या है प्रश्न हल करने का, हम dy बटे dx का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो बिंदु दे रखा है बिंदु पर प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का समीकरण और विलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो एक्स घात 4 का डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा 4 एक्स घात 3 और यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 18 एक्स घात 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 26 एक्स और 10 का हो जाएगा 10, 5 का हो जाएगा 0। अब हमारे पास बिंदु दे रखा है 0 और 5, तो बिंदु 0 5 पर प्रवणता ज्ञात करेंगे। बिंदु 0 5 पर प्रवणता, तो प्रवणता निकाल लेंगे dy बटे dx और बिंदु है 0 5, तो हमारे पास x समान यहाँ पर क्या भरेंगे 0, तो 0 भरेंगे 0, ये वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0, तो माइनस के 10। तो हमारे पास जो m का मान निकला है, m का मान निकला माइनस के 10। अब हमको निकालना है इस पर रेखा का समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 0 5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी 5, m का मान है माइनस के 10, x माइनस x1, x1 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो y माइनस 5 10 की गुणा कर देंगे माइनस के 10x, इसे को इधर ले आए तो 10x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0, तो हमारे पास ये निकल चुका है इस पर रेखा का समीकरण। अब समीकरण निकाल लेंगे अभिलंब का, बिंदु 0 5 पर अभिलंब का समीकरण, अब निकालते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 बराबर माइनस के 1/m x माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 माइनस 1/m, m का मान है हमारे पास माइनस के 10, x माइनस x1, x1 की वैल्यू हमारे पास 0, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, 10 की गुणा यहाँ कर दी हमने, यह हमारे पास 10y माइनस के 50 बराबर x। अब इस सही वैल्यू को हमने इधर भेज दिया, तो x माइनस कितने 10y और प्लस कितने 50 बराबर के 0, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल गई है अभिलंब का समीकरण। तो इस प्रकार हमारे पास अभिलंब और इस पर रेखा के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास दो प्रश्न नंबर टू के हमारे पास तीन पार्ट और बचे हुए हैं, तो इन तीसरे पार्ट में से हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अब फोर्थ पार्ट में क्या लिखा गया है इसके, इसका फोर्थ पार्ट में लिखा है x बराबर cos t और y बराबर sin t, x बराबर cos t और y बराबर sin t, और आगे वैल्यू लिख दी के t बराबर पाई बटे 4 पर, t बराबर पाई बटे 4 पर इस पर रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास x बराबर वैल्यू दे रखी है और y बराबर वैल्यू दे रखी है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को हमने सिखाए थे पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर, वहाँ हमारे पास इस तरह की x की वैल्यू दी हुई होती है और y की वैल्यू दी हुई होती है, आगे फंक्शन दे रखा टी में,
तो हम यहाँ से पी के साथ अवकलन करते थे और हम यहाँ से डीवाई बटे डी एक्स का मान निकालते थे, तो वही डीवाई बटे डी एक्स का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स और टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी। अब कॉस टी का जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस के साइन टी, तो माइनस के साइन टी इक्वेशन एक मान ली। अब वाई वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बटे डी टी, तो हमारे पास साइन टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस टी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, डी वाई बटे डी एक्स की, तो हमारे पास डी वाई बटे डी टी की वैल्यू और डी वाई डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम भाग करेंगे, यानी हमारे पास डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी, यानी समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितना बचा कॉस टी और बटे बचा माइनस के साइन टी, तो हमारे पास डी सी डी टी कैंसिल, तो वैल्यू बच गई डी वाई बटे डी एक्स और ये बन चुका हमारे पास कोट टी, ये बन गया हमारे पास कोट टी, या लिख सकते हैं कोस बटे साइन कोट टी। तो अब उसके बाद हमारे पास डीवाई बटे डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, इस पर निकालना है इस पर रेखा का समीकरण। तो हमारे पास जो बिंदु होगा, बिंदु हमारे पास क्या होगा, बिंदु हमारे पास एक्स बराबर कोस टी और वाई बराबर साइन टी, यही बिंदु का हमारे पास यहाँ पर कार्य करेगा। और फिर हमारे पास लास्ट में जो आंसर प्राप्त होगा वहां पर टी बराबर क्या रख देंगे पाई बटे चार। तो यहाँ लिखते हैं इस पर रेखा का समीकरण, बिंदु हमारे पास कोस टी और साइन टी, बिंदु कोस टी साइन टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इस पर रेखा समीकरण आ जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम क्या करते हैं वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू हमारे पास साइन टी बराबर एम की वैल्यू हमारे पास माइनस के कोट टी, एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास कोस टी। अब हमारे पास टी की वैल्यू दे रखी है पाई बटे चार, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू भर देते हैं पाई बटे चार, तो वाई माइनस साइन पाई बटे चार माइनस कोट पाई बटे चार एक्स माइनस कोस पाई बटे चार, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है वाई माइनस, इसकी जो वैल्यू आती है साइन पाई बटे चार की एक बटा रूट दो, और हमारे पास कोट पंद्रह का मान होता है एक, तो माइनस के एक एक्स माइनस एक बटा रूट दो, तो वाई माइनस एक बटा रूट दो इसके अंदर गुणा करती हूँ माइनस के एक्स और माइनस माइनस आ जाएंगे हमारा प्लस एक बटा रूट दो, इस सब वैल्यू को हमने इधर ले लिया तो एक्स प्लस वाई और माइनस के एक बटा रूट दो इसको इधर ले माइनस का एक बटा रूट दो बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास माइनस का एक बटा रूट दो माइनस के एक बटा रूट दो, तो क्या बच गया हमारे पास माइनस के दो बटे रूट दो, माइनस के दो बटे रूट दो बराबर जीरो, तो रूट से हमने दो कैंसिल किया तो एक्स प्लस वाई माइनस कितना बन जाएगा रूट दो बराबर जीरो, तो हमारे पास ये निकल चुकी है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमको क्या निकालना है इसमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, अभिलंब के समीकरण में हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस का एक बटा एम, जब माइनस का एक बटा एम प्राप्त करेंगे तो उसे एक प्रकार हल करके यहाँ पर हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, जब अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे वाई माइनस वाई वन माइनस एक बटा एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास अभिलंब के समीकरण का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई वन की वैल्यू हमारे पास साइन टी माइनस एक बटा एम, एम की वैल्यू हमारे पास माइनस के कोट टी, माइनस के कोट टी एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कोस टी, तो माइनस माइनस क्या आ चुके हैं प्लस, यहाँ वैल्यू लगाओ वाई माइनस साइन पाई बटे चार और जब बना दिया हमने टेन टी, टेन एक बटा कोट का बन जाएगा टेन टी, टेन का मान उसका पाई का मान उस टी का मान लगाया पाई बटे चार एक्स माइनस कोस टी, कोस टी का वैल्यू हमारे पास पाई बाई फोर। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास वाई माइनस इसकी वैल्यू होती है वन बाई रूट टू और टेन पैंतालीस इसका मान होता है हमारे पास एक, एक्स माइनस का वैल्यू होती है हमारे पास एक बटा रूट दो, तो वाई माइनस एक बटा रूट दो एक्स माइनस वन बाई रूट टू कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर वाई यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये निकल आया अभिलंब का समीकरण, ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण हुआ और ये हमारे पास हुआ इस पर रेखा का समीकरण। तरीका हमारे पास क्या हुआ,
इसका हमने टी के साथ समकलन किया, इसका भी टी के साथ समकलन किया, तो डी वाई बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी, तो हमारे पास डी वाई बटे डी डी एक्स और कोस बटे साइन क्या बन जाएगा हमारे पास कोट। अब हमारे पास जो ये बिंदु दे रखा है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिंदु कोई नहीं दिया होना इस क्वेश्चन के अंदर, जो एक्स और वाई के मान होंगे वही बिंदु का कार्य हमारे पास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोस टी साइन टी और ये हमारे पास बिंदु बन चुका है स्पर्श रेखा का समीकरण, हल करके हमारे पास स्पर्श रेखा समीकरण ये प्राप्त हुआ। फिर हमारे पास इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी हमको ज्ञात करना है। अब हमने अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया और हमारे पास जो टी की वैल्यू दे रखी है, दे रखी पाई बटे चार, तो टी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, पाई बटे चार को रख दिया। तो हमारे पास हल करने के बाद वैल्यू बची एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। तो इस प्रकार हम अभिलंब का स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे और प्रश्न हल करते हैं। अब आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है प्रश्न नंबर तीन के अंदर एक हमारे पास वक्र दे रखा है चार एक्स स्क्वायर प्लस पांच वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर दिया चार एक्स स्क्वायर प्लस पांच वाई स्क्वायर बराबर दो। हमारे पास इक्वेशन दे रखा है चार एक्स स्क्वायर प्लस पांच वाई स्क्वायर बराबर दो के, उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ x बराबर एक बटा दो है। हमें निकालना अभिलंब का समीकरण और वैल्यू दे रखी है जहाँ x बराबर एक बटा दो दे रखा है। जब हम समीकरण निकालते हैं तो हमारे पास बिंदु चाहिए होता है, तो उसमें हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ x का मान दे रखा है, y का मान हमें निकालना है। इस समीकरण को हमने एक मान लिया, तो हमारे पास जो ये दे रखा है एक्स बराबर एक बटा दो, तो ये बिंदु हम क्या रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो यहाँ से वाई का मान हम निकाल लेंगे। तो एक्स का मान कितना हमारे पास एक बटा दो, एक बटा क्या बनगा चार प्लस पाँच वाई स्क्वायर बराबर दो, चार से चार कैंसिल हो चुका है तो पाँच वाई स्क्वायर बराबर दो, यहाँ बचा एक, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का एक, तो पाँच वाई स्क्वायर बराबर एक बटा, यहाँ निकल जाएगा एक बटा पाँच और अंडर रूट लगा दिया हमने प्लस और माइनस, तो वाई का मान निकलगा हमारे पास प्लस माइनस एक बटा अंडर रूट पाँच। यानी जब हमने उसको हल किया तो हमारे पास निकला वाई बराबर प्लस माइनस एक बटा अंडर रूट पाँच। अगर हमारे पास यहाँ वाई का मान दिया होता तो मैं इसका मान निकालते, फिर वाई का मान हम कहाँ भरते, इसके अंदर भरते और यहाँ तक इसका मान हम निकाल लेते। तो फिलहाल हमने इसका मान निकाला एक्स का, इसका मान यहाँ भर दिया वाई का मान निकालने के लिए, तो चार एक्स का जब मान एक बटा दो रखेंगे तो बराबर हो जाएगा एक बटा चार और प्लस पाँच वाई स्क्वायर बराबर दो, तो हमने चार से चार कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा पाँच वाई स्क्वायर और ये हमारे पास दो, तो हमने एक को इधर ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास निकला यहाँ पे एक, तो पाँच वाई स्क्वायर इक्वल टू एक। तो हल करने के बाद वैल्यू बची हमारे पास वाई बराबर प्लस माइनस एक बटा रूट पाँच। अब हमारे पास जो बिंदु प्राप्त हुआ, हमारे पास बिंदु बनाया है यहाँ पर एक्स का मान तो एक बटा दो और वाई का मान है हमारे पास एक बटा रूट पाँच, एक बिंदु तो बना और दूसरा बिंदु हमारे पास एक बटा दो और माइनस एक बटा रूट पाँच। तो हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास जो दो बिंदु आए हैं तो हम इन दोनों बिंदुओं पर क्या निकालते हैं, इसका अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक, मैं एक बिंदु पर निकाल देता हूँ अभिलंब का समीकरण, एक बिंदु पर आप अपने आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो समीकरण एक दे रखी है इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन एक है हमारे पास, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास निकलेगा चार एक्स स्क्वायर का बन जाएगा हमारे पास आठ एक्स, फिर पाँच वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना बनेगा दस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और दो का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल जीरो। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालते हैं माइनस के आठ एक्स और बटे कितना दस वाई, तो हमारे पास निकला डी वाई बटे डी एक्स माइनस के चार एक्स बटे पाँच वाई। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास बिंदु दे रखा है, हमारे पास दो बिंदु हैं, इन पर क्या निकालेंगे अभिलंब के समीकरण। तो बिंदु बिंदु हमारे पास वन बाई टू और वन अपॉन अंडर रूट पाँच पर स्परण में निकाल लेते हैं, पहले बिंदु तनने परवणता। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसकी परवणता बनाते हैं। तो m बराबर डी वाई बटे डी एक्स वन बाई रूट टू और वन अपॉन रूट फाइव, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर रहेंगे माइनस के चार, x का मान कितना हमारे पास एक बटा दो, ये हमारे पास पाँच वाई, पाँच वाई का मान है एक बटा रूट पाँच, तो दो से कैंसिल करेंगे दो दुनी चार और रूट से कैंसिल करेंगे रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास दो बटे रूट पाँच, ये हमारे पास m का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब का समीकरण होता है हमारे पास y माइनस y1, बिंदु हमारे पास यही रहेगा अभिलंब का समीकरण,
y माइनस वाई वन और माइनस एक बटा एम एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y1 का मान और यहाँ पर x1 का मान और यहाँ पर n का मान रखते हैं। तो y1 का मान कितना हमारे पास, एक बटा रूट पाँच माइनस एक बटा एम, एम का मान कितना, माइनस के दो बटे रूट पाँच, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी, एक बटा दो। तो माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। अब y माइनस एक बटा रूट पाँच और रूट पाँच हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा अपॉन टू एक्स माइनस वन बाई टू। अब दो ही गुणा यहाँ कर देते हैं, पाँच रूट पाँच ही गुणा यहाँ पर कर देते हैं। जैसे कि गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास निकलेगा दो वाई माइनस के दो बटे रूट पाँच और पाँच ही गुणा यहाँ कर देते हैं तो अंडर रूट पाँच एक्स और माइनस के अंडर रूट पाँच बटे दो। अब इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएं तो ये अंडर रूट पाँच एक्स, जब वाई को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे टू वाई। अब जब इस वैल्यू को हम इधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस की, तो हमारे पास बना प्लस दो बटे रूट पाँच और हमारे पास पहले से वैल्यू कितनी है माइनस की, अंडर रूट पाँच अपॉन टू बराबर जीरो। अब अंडर रूट पाँच एक्स माइनस की कितने टू वाई, इसको हल कर लेते हैं। इसे हल करने के बाद बचेगा हमारे पास दो अंडर रूट पाँच के आगस का एलसीएम आ जाएगा। अब दो दुनी चार और यहाँ बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट पाँच की, पाँच से गुणा करेंगे तो मान लगा हमारे पास पाँच और बराबर जीरो। तो अंडर रूट पाँच एक्स माइनस के टू वाई प्लस हमारे पास चार में से पाँच जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का एक, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस एक बटे टू अंडर रूट फाइव इक्वल टू जीरो। अब आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं या इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो गुणा यहाँ पर आएगी रूट पाँच ही, रूट पाँच से गुणा करेंगे पाँच और पाँच दूनी दस, तुम्हारे पास बचा दस एक्स। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे दो दूनी चार अंडर रूट पाँच वाई और ये माइनस का एक और बटे में जो हमारे पास दो रूट पाँच आया वो कर दिया हमने जीरो में गुणा, तुम्हारे पास प्राप्त हो चुका है जीरो। तो हमारे पास ये अभिलंब का समीकरण बन चुका है। तो इस प्रकार हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की अगली तरफ चलते हैं और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर का सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है हमारे पास एक वक्र दे रखा है और वक्र दे रखा है एक्स की पावर दो बटे तीन प्लस वाई की पावर दो बटे तीन बराबर दो के बिंदु एक एक पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास, या तो हमें अभिलंब का समीकरण निकालने या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, सिक्स लिखा है अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए और बिंदु दे रखा है हमारे पास एक एक और वक्र दे रखा है एक्स की घात दो बटे तीन प्लस वाई की घात दो बटे तीन बराबर दो। ये हमारे पास वक्र का समीकरण है और उसका बिंदु दे रखा है हमारे पास एक एक, बिंदु है एक एक, यानी एक एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करते हैं। तो हमारे पास एक्स की घात दो बटे तीन है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे जो पावर है हमारे पास ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगी दो बटे तीन, जब इसकी एक पावर कम करेंगे तो निकलेगा माइनस का एक बटा तीन, यानी दो बटे तीन में से जब हम एक घटाएंगे तो निकलेगा हमारे पास माइनस का एक बटा तीन प्लस दो बटे तीन इसी गुणा में आ जाएगा, जिसकी पावर एक कम करेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास माइनस के एक बटा तीन, और फिर वाई का करेंगे इसकी गुणा में ही तो निकलेगा डी वाई बटे डी एक्स और दो का हो जाएगा हमारे पास जीरो। हमारे पास एक कंडीशन बन चुकी है। अब दो बटे तीन क्या कर दिया हमने, इधर कोमल ले जीरो कर दिया तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे पास जब एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा माइनस एक्स की घात एक बटा तीन और यहाँ पर इसके गुणा में हमारे पास बच रहा है वाई की घात माइनस एक बटा तीन। जब इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स और माइनस के एक बटा तीन और अपॉन क्या कर दिया वाई की पावर माइनस के एक बटा तीन, तो डी वाई बटे डी एक्स। अब अगर हम वाई को ऊपर की तरफ लेके जाएं तो घात इसकी प्लस की हो जाएगी और एक्स को नीचे की तरफ लेके जाओ तो घात इसकी प्लस की हो जाएगी, तो माइनस वाई घात एक बटा तीन और एक्स की घात एक बटा तीन ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। बिंदु दे रखा हमारे पास एक और एक, तो हम यहाँ लिखते हैं बिंदु एक एक पर, बिंदु एक एक पर प्रवणता, बिंदु एक एक पर प्रवणता। तो हमारे पास जो बिंदु दे रखा है उस पर हमको प्रवणता ज्ञात करनी है, तो बिंदु हमारे पास एक एक पर प्रवणता डी वाई बटे डी एक्स एक एक, ये हमने एम मान लिया। तो जहां हमारे पास एक्स है वहां क्या परिणाम है एक और जहां वाई है वहां भी क्या परिणाम को एक, तो एक की घात कितनी एक बटा तीन माइनस बाहर है और एक की घात एक बटा तीन,
एक की पावर हम कुछ भी कर दें, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक। तो हमारे पास यहाँ पर मान प्राप्त होता है एम बराबर माइनस, इसका वैल्यू एक आ जाएगा, उसका वैल्यू हमारे पास एक आएगा, तो हमारे पास एम का मान बचा एक। तो हमारे पास एम का वैल्यू आई एक। अब हम क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का, और इस पर पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, अब स्पर्श रेखा का हम क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे। y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है एक, m की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास माइनस की एक, x माइनस x1, x1 का मान कितना है एक, तो y माइनस वन माइनस के अंदर गुणा कर दी, माइनस का x और प्लस का वन, x की और वन को इधर ले आए तो हमारे पास बचेगा x प्लस का जाएगा, और y भी हमारे पास प्लस का है, जो वन को जोड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का वन पहले से ही है तो माइनस के टू इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास निकल चुका है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमको निकालना है अभिलंब का समीकरण, अभी लंब का समीकरण, तो y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन, वाई वन वैल्यू कितनी है हमारे पास वन, माइनस एक बटा एम, एम की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस की एक, तो माइनस एक, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान कितना हमारे पास एक, माइनस माइनस हो चुके हैं प्लस, तो वाई माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल, तो एक्स बराबर वाई, और अब हमने क्या किया थे वाई को उधर ले लिया, माइनस का वाई बराबर जीरो, तो हमारे पास जो अभिलंब का समीकरण प्राप्त हुआ वो हुआ एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, और ये हमारे पास परिक्रमा का समीकरण बना एक्स प्लस वाई माइनस के टू इक्वल टू जीरो। अब आगे चलेंगे प्रश्न पर। अब हमारे पास प्रश्न फिर प्रश्न नंबर सात या आठ इसी प्रकार से दे रखे हैं, और प्रश्न नंबर नौ भी हमारे पास यही है लिखा है। प्रश्न नंबर आठ के अंदर y बराबर x बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर का उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात कीजिए, उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात कीजिए जहां इस पर रेखा x एक्स के साथ पाई बटे चार का कोण बनाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका आठ करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर आठ, तो हमारे पास समीकरण दे रखा है वक्र y बराबर x बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और लिखा है इसने बिंदु के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा एक्सिस के साथ पाई बटे चार का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास पहले बिंदु निकालने पड़ेंगे, और बिंदु निकालने के बाद फिर हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए हम बिंदु मानते हैं, यहाँ पर माना बिंदु x1 y1 है, तो जब हमने बिंदु x1 और y1 मान लिए तो इस बिंदु से क्या करा देंगे, इसको संतुष्ट कराएंगे। तो y1 बराबर x1 बटे 1 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हमारे समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है, अभी समीकरण फर्स्ट का क्या करेंगे, हम अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशियल करेंगे इसके अच्छे हिसाब से, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर डिवाइडर रूल लगाएंगे तो हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर, हर जगह तो अंश का अवकलन करेंगे, जब हम अंश का अवकलन करते हैं यानी हमारे पास डिवाइडर रूल क्या है, हर जगह तो अंश का अवकलन माइनस अंश जगह तो हर का अवकलन और अपॉन हर का स्क्वायर, तो हर जगह तो जब एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा एक, माइनस अंश जगह तो यानी एक्स जगह तो रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, जब हर का अवकलन करेंगे वन का तो हो जाएगा जीरो, एक्स का दो का हो जाएगा माइनस के टू एक्स, और अपॉन हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हल करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस टू एक्स स्क्वायर, प्लस टू एक्स स्क्वायर, और अपॉन कितना आएगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाते हैं, तो हमारे पास बचता है वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वैल्यू निकल जाती है हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। अब हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, प्रवणता के लिए क्या देखिए हमें बिंदु, लेकिन हमने बिंदु क्या मान रखे हैं एक्स वन वाई वन, तो बिंदु हमारे पास एक्स वन वाई वन पर प्रवणता ज्ञात करेंगे, बिंदु एक्स वन वाई वन पर प्रवणता, तो डी वाई बटे डी एक्स एक्स वन वाई वन, तो प्रवणता निकालते हैं वन प्लस
एक्स वन का स्क्वायर वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर और किसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास प्रवणता बन चुकी है, ये बन चुकी है हमारे पास प्रवणता। अब हमको क्या करना है, ये जो प्रवणता निकली है हमें समीकरण नंबर क्या मान ली, इसको तीन मान ली। अब हमारे पास उसने एक कंडीशन और दे रखी है, उसने लिखा है बुक के अंदर कि जो स्पर्श रेखा एक्सिस के साथ क्या बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब स्पर्श रेखा एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी तो यहां से हम एक प्रवणता ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखा एक्सिस के साथ, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ पाई बटे चार का कोण बनाती है, इस पर देखा एक्स एक्स के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। इस पर देखा क्या करती है, एक्स एक्स के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने लिखा है यहां पर m बराबर हमारे पास क्या होता है, tan थीटा, m बराबर tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा का मान कितना हमारे पास 45 डिग्री यानी पाई बटे 4, और tan पाई बटे 4 का मान होता है हमारे पास 1। तो यह समीकरण नंबर बन गया हमारे पास 4, यानी एक समीकरण हमारे पास ये बन चुकी 3, एक समीकरण बन चुकी हमारे पास समीकरण नंबर 4। ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, दोनों प्रवणता को हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, यानी समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। ये भी m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है। तो हमारे पास निकला 1 प्लस x1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x1 की पावर कितनी होगी 4 और माइनस के 2 x1 का स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को सबको धड़ ले गए, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, x1 की पावर 4 और इधर जाके आ जाएंगे 3, x1 का स्क्वायर बराबर 0। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ से x की याद करेंगे, तो x1 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से x1 का स्क्वायर, तो हमारे पास बचा x1 का स्क्वायर माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास पता लग रहा है कि x1 का वैल्यू कितना ही हमारे पास, एक तो आई 0 और एक x1 का स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0। तो x1 बराबर कितना निकलेगा हमारे पास 3, और जब घात दो हटाएंगे तो क्या लगाएंगे रूट प्लस माइनस। तो हमारे पास x1 की वैल्यू 0 भी है और x1 की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस रूट 3 भी है। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, उसके बाद अभिलंब निकलेगा। तो हमने क्या किया, अगर ये x1 बिंदु लोगे तो y1 का मान निकाल लेंगे, ये 0 निकल गया, फिर हम लेते हैं प्लस का रूट 3। तो याद करते हैं, जब x1 बराबर 0 तब यहाँ वैल्यू भरेंगे, y1 बराबर 0 1 माइनस 0, तो हमारे पास y1 वैल्यू क्या निकला है 0। तो हमारे पास एक बिंदु निकला हमारे पास 0 0 0 0। उसके बाद हमारे पास जब x1 बराबर रूट 3 तब यहाँ वैल्यू भरेंगे समीकरण नंबर सेकंड के अंदर, y1 बराबर रूट 3 1 माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 3, तो रूट 3 अपॉन माइनस के 2। तो हमारे पास एक बिंदु निकल गया हमारे पास रूट 3 और माइनस के रूट 3 बटे 2। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का रूट 3 लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस का रूट 3, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या की बन जाएगी, ये प्लस की वैल्यू प्राप्त होगी। जब x1 बराबर माइनस के रूट 3 तब y1 बराबर वैल्यू यहाँ भरेंगे x1 का मान माइनस के रूट 3 अपॉन, जब माइनस के रूट 3 भरेंगे तो उसका वर्ग भी हमारे पास प्लस का ही रहेगा, तो हमारे पास निकला माइनस के रूट 3 और माइनस के 2, माइनस माइनस हो चुके हैं प्लस, तो बिंदु हमारे पास निकल के आया x की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के रूट 3, तो y की वैल्यू निकली हमारे पास बिंदु बना हमारे पास बिंदु x1 की वैल्यू हमारे पास रूट 3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस की प्राप्त हुई रूट 3 बटे 2। अब हम क्या निकालेंगे, यहां पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु पर निकालता हूं अभिलंब का समीकरण, मैं बिंदु ले रहा हूं रूट 3 और माइनस के रूट 3 बटे
दो पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो समीकरण होता है हमारे पास वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन एम और एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना माइनस के रूट तीन बटे दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस एक बटा एम, एम की जो वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू है एम की हमारे पास अभी है हमारे पास एक, ये रख दिया एक यहाँ पर, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना हमारे पास माइनस के रूट तीन और माइनस माइनस क्या प्लस का रूट तीन रूट तीन। तो y प्लस रूट तीन बटे दो, माइनस की गुणा यहाँ पर कर दी तो माइनस का एक और माइनस माइनस हुए यहाँ पर प्लस रूट तीन। अब हम इसको इधर ले आए, x प्लस का हो चुका है, y प्लस का है और रूट तीन बटे दो, रूट तीन को इधर ले आए माइनस के रूट तीन बराबर जीरो। अब x प्लस वाई, अब हमारे पास रूट तीन बटे दो और माइनस के रूट तीन बटे दो, तो एक रूट तीन हमारे पास प्लस का और एक हमारे पास माइनस का, तो माइनस के बन जाएंगे हमारे पास रूट तीन बटे दो, माइनस के रूट तीन बटे दो बराबर जीरो। हम दो का एलसीएम ले सकते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा टू एक्स प्लस टू वाई और माइनस के रूट तीन अपॉन हमारे पास जो दो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा इधर आकर जीरो। तो हमारे पास वैल्यू बन चुकी है टू एक्स प्लस टू वाई माइनस के रूट तीन बराबर जीरो। अब हमारे पास ये अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अब उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये आठवां क्वेश्चन था, अब उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, टेंथ भी ऐसे ही दे रखा है और ग्यारह भी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तेरह, क्वेश्चन नंबर तेरह देखते हैं। तेरह में हमारे पास दो पार्ट हैं, तेरह में हमारे पास दो पार्ट हैं। अब इसके दोनों पार्ट में से कोई सा एक पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर तेरह का पार्ट ऑफ सेकेंड, एक्स बराबर ए कोस थीटा और y बराबर दिया है इसने b साइन थीटा, और लिख दिया थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इस x का भी और y का भी क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। उसके बाद बिंदु का काम हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है x की और y की, ये बिंदु का काम करेगी और यहां से अभिलंब का समीकरण हम प्राप्त करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा एक कॉन्स्टेंट है, जब कोस थीटा करेंगे तो निकलेगा माइनस के साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। वाई का करते हैं डी वाई बटे डी थीटा, अब बी तो ऐसे रखेंगे, जब साइन का डिफरेंशियल करेंगे साइन का डिफरेंशियल आएगा हमारे पास कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स का मान प्राप्त करेंगे, तो समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग कर रहे हैं, तो डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा, तो हमारे पास निकला b cos थीटा अपॉन माइनस के a sin थीटा, तो d थीटा कैंसिल, तो वैल्यू निकली हमारे पास dy बटे dx और माइनस के b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हमारे पास प्रवणता बन जाएगी। अब ये बन चुकी हमारे पास प्रवणता m। अब बिंदु a cos थीटा और b sin थीटा पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो समीकरण बन जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर वन अपॉन एम माइनस के साथ x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी हमारे पास b साइन थीटा, माइनस वन अपॉन एम, एम की वैल्यू हमारे पास ये है तो माइनस के b cos थीटा, जब हम वैल्यू को यहाँ पर लगाएंगे तो a साइन थीटा ऊपर की ओर चले जाएगा, a साइन थीटा x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा। अब उसके बाद b साइन थीटा की यहाँ पर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, b cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर और a साइन थीटा की गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ गुणा करेंगे तो b cos थीटा y हमारे पास बचा, b cos थीटा y, इसी गुणा यहाँ करेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस के बी स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के बी स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, इसी गुणा यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास ए एक्स साइन थीटा, ए एक्स साइन थीटा। अब इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो निकलेगा हमारे पास ए स्क्वेयर साइन थीटा और कोस थीटा, ए स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। अब इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे और चले जाओ इधर, तो हमारे पास बचा ए एक्स
साइन थीटा और ये प्लस बी वाई माइनस माइनस बी वाई कोस थीटा, जब ये वैल्यू उधर जाएगी आ जाएगी प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और ये इधर ही रही माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बराबर जीरो। यानी ये दोनों वैल्यू में इधर ले आया तो ये हमारे पास माइनस की जगह हो जाएगी प्लस की और यहाँ से ए एक्स साइन थीटा बी वाई कोस थीटा, यहाँ से बी साइन थीटा और कोस थीटा ले लिया कॉमन साइन थीटा कोस थीटा, तो वैल्यू बची हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये हमारे पास का आंसर आ चुका है और आंसर को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा से भाग दे सकते हैं और जब साइन थीटा कोस थीटा से भाग देंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा से भाग देने पर तो हमारे पास निकलेगा यहाँ साइन साइन कट जाएगा अपॉन में क्या बचेगा कोस और कोस क्या लिख सकते हैं हम सेक ए एक्स सेक थीटा। जब यहाँ पर हमें साइन थीटा कोस थीटा से भाग देंगे कोस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा बी वाई बटे साइन साइन को लिखेंगे कोसेक कोसेक थीटा और साइन 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 थीटा कोस थीटा दोनों वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो हमारे पास ये अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास का लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है एक्स वाई बराबर 12 एक वक्र दे रखा है एक्स वाई बराबर 12 का बिंदु 3t, 4t पर खींचा गया अभिलंब जिसका प्राचल बिंदु T1 पर काटता है तो सिद्ध कीजिए T1 बराबर माइनस के 16/9t3। तो बिंदु दिया है के बिंदु बिंदु दे रखा है 3t और 4/t पर अभिलंब का समीकरण जिसका प्राचल बिंदु T1 पर काटता है। तो पहले क्या प्राप्त करते हैं हम इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण प्राप्त करते हैं फिर इसका प्राचल T1 लिया जाएगा और T1 पर क्या करता है काटता है ये। जब कोई भी बिंदु किसी वक्र को काटता है तो बिंदु क्या करेगा उसको संतुष्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास जो सिद्ध करना है वैल्यू वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ करते हैं इसका पहले डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला फंक्शन दिया हमारे पास गुणा का नियम लगेगा यहाँ पर x जो का तो रहा y का करा तो dy बटे dx प्लस y ऐसे ही रखेंगे अब ऐसा करेंगे तो कितना 1 और 12 का जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से dy बटे dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो dy बटे dx बराबर माइनस के y बटे x। अब बिंदु हमारे पास दे रखा है बिंदु 3t, 4/t पर प्रवणता, इस पर हम प्रवणता ज्ञात करेंगे तो dy बटे dx और बिंदु हमारे पास है 3t, 4/t और प्रवणता मान लिया हमने m। तो यहाँ मान लगाएंगे हमारे पास y का मान कितना है माइनस के 4/t और x का जो हमारे पास मान है वो है 3t। तो हमारे पास m की जो वैल्यू प्राप्त हुई माइनस के 4/ हमारे पास नीचे गुणा हो जाएगी इसकी तो हमारे पास आएगा 3t स्क्वायर यानी हमारे पास इसकी गुणा यहाँ पर आ जाएगी तो 4/3t स्क्वायर। तो हम निकालते हैं इस पर बिंदु 3t, 4/t पर अभिलंब का समीकरण तो बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे y माइनस वाई वन बराबर माइनस के 1/m x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना 4/t माइनस 1/m m की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4/3t स्क्वायर तो 3t स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x माइनस एक्स वन कितना हमारे पास 3t। तो हमारे पास ये अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो चुका है, इस समीकरण को मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। ये मेरे पास अभिलंब का समीकरण है। अब बुक वाले ने कहा कि जो अभिलंब का समीकरण है ये प्राचल T1 पर काटता है तो यहाँ लिखते हैं अभिलंब एक प्राचल T1 पर काटता है तब तुम्हारे पास बिंदु बन जाता है ये जो बिंदु हमें दे रखा है कितना 3t और 4/t तो यहाँ t के स्थान पर क्या कर देंगे T1 कर देंगे 3t1, 4/t1 ये बिंदु प्राप्त हो चुका है और ये बिंदु क्या करता है अभिलंब एक को प्रतिशत करता है। तो इस बिंदु से अभिलंब एक को संतुष्ट करने पर बिंदु तनने से अभिलंब एक को
संतुष्ट कराने पर, तो हमारे पास जहां पर वैल्यू हमारे पास वाई है वहां पर वैल्यू लगाऊंगे चार बटे टी वन, और जहां पर इसके अंदर हमारे पास एक्स है वहां वैल्यू लगा देंगे तीन टी वन। तो वाई के स्थान पर क्या लगा रहे हैं, चार बटे टी वन और माइनस के चार बटे टी बराबर हमारे पास बचा हुआ है तीन टी स्क्वायर और बटे चार, और एक्स के स्थान पर क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, एक्स का मान हमारे पास तीन टी वन, तीन टी वन और यहाँ पर हमारे पास तीन टी। अब हमने क्या किया, यहाँ से चार को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया और उसका एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास बचा टी वन इंटू टी और ये आ चुका हमारे पास टी माइनस टी वन, और ये बच रहा हमारे पास तीन टी स्क्वायर अपॉन चार, तो यहाँ से तीन कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा टी वन माइनस टी। अब हमारे पास इधर तो क्या है टी माइनस टी वन और उधर है हमारे पास टी वन माइनस टी, तो इसे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये वैल्यू मैंने पूरी कैंसिल कर दी और यहाँ छोड़ दिया माइनस, तो चार बटे टी वन इंटू टी और माइनस कितने बन जाएंगे नौ टी स्क्वायर बटे चार, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया फिर इसके बाद कैंसिल किया है, तो अब हमारे पास की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा हमारे पास सोलह बराबर माइनस के नौ, ये टी है और ये टी, तो हमारे पास बन जाएंगे नौ टी वन और टी घात कितनी बन गई तीन, और वैल्यू सिद्ध करा रहा है हमसे ये टी वन का मान सिद्ध करवा रहा है, तो टी वन बराबर निकलेगा सोलह बटे माइनस का आ जाएगा सोलह बटे नौ टी घात तीन। अब हमको ये वैल्यू क्या करनी थी, इसकी प्रूफ करनी थी। इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन समाप्त होने के साथ साथ ये हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास सिक्स डी पूरी हो जाती है, और इसमें हमने सीखा अभिलंब के समीकरण भी इसमें करे और अभिलंब आपके पास इस प्रकार के समीकरण भी इसमें किए हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने इस प्रकार के समीकरण किए थे। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप बता देंगे। धन्यवाद।